तो हमने फोर्स ले लिया नोड के अंदर, देन हमें यहाँ कॉन्टेक्ट्स के अंदर लेना है ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट्स। ओके, तो ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट्स पे आप सेलेक्ट करेंगे, देन डिस्प्ले में कोई चेंज करना नहीं, सॉल्व में यहाँ पे आपको जाके प्री चेक पे क्लिक करना। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ शो कर देगा, अदरवाइज ये लिखा जाएगा द स्टडी सेटअप हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। जैसे ये आता है देन आप क्लिक करेंगे सॉल्व पे और ये आपको रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है, वापस बताऊं? जी सर, वो लखविंदर सर का कॉल आ गया था वो फीस के लिए। अच्छा, उनसे बात कर रहा था। ठीक है, तो हम कहाँ थे? कंस्ट्रेंट बता दिया था मैंने, कंस्ट्रेंट हमने स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट तीनों पिन हमने सेलेक्ट कर ली तो यहाँ शो हो जाएगा कंस्ट्रेंट के अंदर तीन पिन शो हो रही है। ठीक है, तीन क्यों हो रही है? एक ये वाला फेस, एक ये वाला और एक ये वाला, दो वाला फेस। ठीक है, देन लोड में हमको स्ट्रक्चर लोड लेना है। फर्स्ट स्ट्रक्चर लोड पे क्लिक करके हमें फोर्स लेना है। फोर्स में हमें टारगेट सेलेक्ट करना है कौन सा सरफेस पे फोर्स लेना है, तो हमें इस वाले पे फोर्स लेना है स्मॉल एंड के एज पे। ठीक है, और इस फोर्स की जो हमने जो वैल्यू इनपुट की है इसके अंदर वो हमने की है फोर्स, हमने सिर्फ माना है कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, वाई और जेड कंपोनेंट जीरो। तो वाई एक्स कंपोनेंट हमने लिया 148 440 लिया था, देन y और z कंपोनेंट 0 लेके हमने इसको ओके कर दिया। दिस इज दी फोर्स अप्लाइड ऑन दिस एंड स्मॉल एंड। ठीक है, पिस्टन के जो मूवमेंट की वजह से फोर्स आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो हमने लोड ले लिया, उसके बाद हमने इसमें और कुछ नहीं लिया। कॉन्टेक्ट्स में आपको सेलेक्ट करना ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट्स, इसको आप सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये जनरेट कर लेगा कुछ डिस्प्ले। आप चाहें तो मैश विजिबिलिटी और ये चाहें तो कर लेंगे, तो डिस्प्ले का बहुत ज्यादा यूज है नहीं। देन आपको क्लिक करना है प्री चेक पे। प्री चेक पे जैसे क्लिक करते हैं तो स्टडी सेटअप हैज ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो ये आपका लिखा आ जाता है, मतलब आपका सेटअप सही। नहीं आता है तो यहीं पे प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप में यही शो कर देगा। इसको ओके करके फिर आगे चलें सॉल्व, सॉल्व स्टेटस जनरेट मैश। और तो आप चाहें तो पहले सीधा सॉल्व कर लें, चाहें तो पहले जनरेट मैश करके फिर सॉल्व कर लें, तो होगा दोनों में एक। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये पूछता है ऑन क्लाउड और लोकली, आपको क्लाउड पे ही सॉल्व होगा, लोकल सॉल्व नहीं होगा अगर आप स्ट्रक्चरल बकलिंग का सॉल्व करना चाहेंगे। स्टैटिक स्ट्रेस के अंदर ये भली लोकल में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको क्लाउड पे सॉल्व करना है। 15 क्लाउड क्रेडिट लेगा ये, और लेट्स से सॉल्व वन स्टडी। ठीक है, तो जैसे ही आप सॉल्व करते हैं ये स्टेटस आ जाएगा, अपलोड करेगा पहले, अपलोड करके यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट आपको जनरेट होकर आ जाएगा। तो ये हमने किया, और मीनवाइल हमने एक और ट्राई मैंने ये किया कि मैंने सेकंड, हमने एक तो बकलिंग वाला केस किया और दूसरा हमने स्टैटिक स्ट्रेस भी अप्लाई करके देखा। नॉर्मल स्टैटिक स्ट्रेस की सेकंड स्टडी वो भी चल रही है, तो उसमें भी हम वही फोर्स ले रहे हैं सेम। जब हम उसमें सेम फोर्स ले रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है स्टैटिक के अंदर, तो वहाँ पे वो क्योंकि हमने ये जो फोर्स लिया है 148440 ये मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 अज्यूम करके लिया है। अगर मैं 6 नहीं लेता तो इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 हो जाती तो वो और कम हो जाता फोर्स, तो वो हो सकता है स्टैटिक के केस में इजीली हो जाता। तो जब हमारा ये रिजल्ट इस तरह से कुछ जनरेट हो जाएगा, ये आपका आ गया इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट का, और इसका अगर आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा है ना, इसका ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 0.193 मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इस एंड पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेंटर पे है, और ये टोटल इसका बकलिंग का शेप इस तरह से कुछ बनेगा। ये बकलिंग के तीन मोड होते हैं, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड और थर्ड मोड। ये तीन मोड पे बकलिंग हो सकती है, और ये तीनों मोड का अलग अलग सिमुलेशन ग्राफ है। टोटल डिस्प्लेसमेंट का चाहिए तो टोटल का आ जाएगा, एक्स का चाहिए तो एक्स का आ जाएगा, वाई का चाहिए वाई का आ जाएगा, जेड का चाहिए जेड का आ जाएगा। वीडियो जो हमने बनाया था वो यहाँ पे रिजल्ट टूल्स के अंदर एनिमेट में करके, आप नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने 100 ले लिए थे, बाय डिफॉल्ट 10 होता है, तो 10 में थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, 100 कर देंगे तो धीरे धीरे खत्म, दैट इज इट। तो ये हमने इस पर करके देखा। ठीक है, अब इसमें जो
बात निकल के आएगी। एक तो हमें क्या क्या जो और करना है वो अभी वो बता देता हूँ। एक तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट के अंदर बोल्ट कनेक्टर यूज करना है। बोल्ट कनेक्टर का कंस्ट्रेंट इसलिए यूज करना है क्योंकि दो बोल्ट हम यूज कर रहे हैं और उनका मटेरियल भी सेम होना चाहिए जो हमारा मटेरियल कनेक्टिंग रॉड का हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम लाइक, अदरवाइज तो बोल्ट फेल पहले कर जाएंगे। ठीक है सर, उसका बोल्ट भी तो मैन्युफैक्चर करवाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। बोल्ट मैन्युफैक्चर करवाना पड़ेगा, अगर सेम साइज और सेम मटेरियल का नहीं मिलता है तो बनवाना पड़ेगा दो बोल्ट। उसका डायमेंशन एक्चुअली क्या है, आपका जो ड्राइंग है ना इसी से डायमेंशन बोल्ट का निकल के आ जाता है। जब आप बोल्ट कनेक्टर पे क्लिक करते हो तो ये आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, बोल्ट हेड कहाँ लगाना है, नट कहाँ लगाना है, बोल्ट डायमीटर क्या रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट इसने उस आपके डायमेंशन से ले लिया है। हाइट क्या रहेगा, नट वॉशर लगाना है या नहीं लगाना है, उसका हाइट क्या रहेगा, प्री लोड कितना देना है, मैग्नीशियम मटेरियल आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आपको इसकी डायमेंशन भी मिल जाएगी अगर आप बनाना चाहें। तो सर अगर इसमें विथ बोल्ट अगर सिमुलेशन करते हैं तो फिर थोड़ा एफिशिएंट होगा, मतलब थोड़ा सा चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बोल्ट एक्चुअली क्या है कि बोल्ट कनेक्टर मैंने पता नहीं ट्राई किया लेकिन अभी इसमें हो नहीं रहा था तो इसलिए मैंने इसको अभी सप्रेस करके एक बार के लिए तो कर दिया। ठीक है, तो हमें करना क्या है, मैं वही कह रहा हूँ आपको, एक तो बोल्ट के साथ करना है। ठीक है, चीज़ें जो चेंज करनी है अभी, ये तो इनिशियल जस्ट कि कैसे होगा वो मैंने देखा है ना, बोल्ट के साथ करें, दोनों बोल्ट लगा के करें पहला चीज। दूसरा, आप जो करें इसमें मटेरियल दो तीन अलग अलग ट्राई कर लें और मटेरियल वो ट्राई करें जो आपका मैन्युफैक्चरर के पास अवेलेबल हो। तो उससे क्या होगा कि आपको जब मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे तो वो एल्यूमिनियम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैंने लोड की वैल्यू ली है वो मतलब रेंडमली ली है, रेंडमली मतलब कोई एक न्यूमेरिकल उठा के उसकी वैल्यूज हम टेस्ट कर रहे हैं, बट लोड की वैल्यू आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसको देखेंगे कितना लोड हमारा आ रहा है, किस जो हमारी डायमेंशन है, मान लो आपका जो ये पिन है इसका स्मॉल एंड कितना डायमीटर का है और ये किससे कनेक्टेड है, किस साइज के पिस्टन से कनेक्टेड है, तो जब किस साइज के पिस्टन से कनेक्टेड है वो हमें पता चल जाएगा तो उस पिस्टन में कितना फोर्स जनरेट हो सकता है, मतलब उस क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ड्राइंग है तो अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा कि कितना हमारे पास उसमें फोर्स आ सकता है मैक्सिमम, फिर वो फोर्स लेके हम स्टैटिक में अप्लाई करना है तो स्टैटिक में, या एक्स वाई कंपोनेंट दोनों देना चाहें, एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट देना चाहें, क्योंकि ये कनेक्टिंग रॉड के अंदर आपको जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स आए, अलग अलग डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन में फोर्स आ सकता है, तो ये आपका जो एफएक्स हमने लिया स्टैटिक लोड भी ये भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ये सब चीज़ें क्या है कि ट्राई करनी है आपने इसको रेंडमली ट्राई कर करके जो आपको सही लगे होगा इसी तरह से। ठीक है, और जो आपका फिजिबल हो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो मटेरियल आप चूज करके डिज़ाइन में चेंज कर लें और वहीं से फिर इसको सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली करते जाए। प्रोसेस ये रहने वाला है, पिन लगानी है, यहाँ लोड लगाना है स्टैटिक और उसके अकॉर्डिंग आपको बकलिंग की हमने कर ली और इसी तरह से स्टैटिक स्ट्रेस में भी कर सकते हैं। तो स्टैटिक स्ट्रेस में जो हमने की वहाँ पे भी सेम ही है, लोड लगाना है, यहाँ हमने लोड लगा दिया स्टैटिक स्ट्रेस के अंदर में हमने रिजल्ट कैलकुलेट करके देखा, तो ये दो के अंदर तो हमको करके देखना है, बाकी आप चाहें तो थर्मल और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सर जैसे अपना वीडियो जो बनानी है तो सिर्फ वीडियो के लिए कोई एक बकलिंग वाला ही शो कर देंगे तो चलेगा ना? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि करने को तो हम कुछ भी शो कर दें बट पॉइंट ये है कि हमें आगे जाना है ना। Yes, तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, मतलब अब रेंडमली काम करने से काम नहीं चलेगा कि जब आप टॉप सिक्स में और टॉप थ्री में जाना है तो टॉप थ्री में वही जाएगा जो कंसेप्चुअली सही होगा, तो वहां पे हम कुछ देखो कुछ भी करने से सॉफ्टवेयर कुछ तो रिजल्ट दे रही है ना, बकलिंग के भी कुछ रिजल्ट दे दिए इसने, तीन शेप बना दिए, वी डोंट नो कि तीन शेप ही क्यों है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे शुरू में हमने जब सेटिंग्स यहाँ से आप मैनेज में जब जाएंगे तो सेटिंग्स में आपने तीन ही लिए थे, नंबर ऑफ मोड्स थ्री लिए थे, अगर आप यहाँ बढ़ा देते तो ज़्यादा बढ़ जाते। तो पॉइंट ये है कि इसको तो खैर तीन ही रखना है लेकिन पॉइंट ये है कि हमें एक एक चीज हर चीज़ हमको क्लियर कट बोलना है कि हमने मटेरियल ये लिया तो क्यों लिया, कहाँ एप्लीकेशन है, अगर हमने एल्यूमिनियम का पर्टिकुलर मटेरियल चूज किया है तो व्हाई वी हैव सेलेक्टेड दिस काइंड ऑफ मटेरियल, और ये मटेरियल किस इंजन में या किस कंपनी में कहाँ यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम की कनेक्टिंग रॉड भी यूज हो रही है,
आईसी इंजन में बहुत सारी जगह। सो पॉइंट इज कि अब हमें प्रॉपर उसकी स्टडी करके और वो सारा बैकग्राउंड हमको तैयार करके सिमुलेशन रिजल्ट ठीक है हमें एक वीडियो बना के देना है, हम बना के दे सकते हैं, लेकिन अगर वो वीडियो ही गलत हुआ, हमारा अजम्पशन ही गलत हुआ कि हमने लोड एक्स डायरेक्शन में लगाया, मान लो लोड एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आ रहा हो या कोई और बियरिंग प्रेशर आ रहा हो या कोई और पर्टिकुलर लोड आ रहा हो, तो वो हमें देखना पड़ेगा, वो हमें स्टडी इन डिटेल अब करना पड़ेगा कनेक्टिंग रोड का, है ना। मैंने सुबह से कम 5-7-10 वीडियो देखे तब जाके मेरे को थोड़ा बहुत अभी ये होते हुए दिख रहा है, लेकिन क्या ये सही है पता नहीं, है ना। कोशिश हमने की है कि जो जो सही हो सकता है, जैसे मैंने ये लोड एक्स में ही क्यों लिया, तो इसका एक पर्टिकुलर रीजन एक वीडियो में मिला कि भाई एक्स डायरेक्शन में ही हमारा जो है पिस्टन का लोड आ रहा है, तो उस वजह से हमने टू सिंप्लीफाई दी एनालिसिस हमने एक्स में लिया। हम वाई जेड कंपोनेंट लेके देखे कितना लेना है वैल्यू, वो हमको कैलकुलेट करके ही लेना पड़ेगा, रेंडमली होने से काम नहीं चलेगा। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डिजाइन सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देगा ही, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देगा अगर आपने प्रॉपर कुछ ना कुछ इनपुट दिए हैं, आपने लोड कंस्ट्रेंट और ये सब लगा दिए हैं, तो कुछ रिजल्ट तो दे ही देगा, लेकिन क्या वो सही है, वो एज ए डिजाइन इंजीनियर आपको देखना है कि हमारी जो डिजाइन है, हमारी जो डायमेंशन है, क्या डायमेंशन की हमने कनेक्टिंग रॉड बनाई है, ये डायमेंशन की कनेक्टिंग रॉड किस जगह पे फिट होती है, किस इंजन पे, किस पिस्टन डायमीटर के इंजन पे फिट होती है, क्योंकि पिस्टन डायमीटर इसलिए चाहिएगा कि फोर्स कितना आ रहा है उसमें। कनेक्टिंग रॉड में जो आप चीज चेंज नहीं कर सकते वो है उसकी लेंथ, लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेंथ, क्योंकि आपका एक एंड पिस्टन पे हिंज्ड है और दूसरा एंड क्रैंक पे फिक्स है, तो वहाँ वो चेंज आप नहीं कर सकते, जनरली वो डायमेंशन या वो चीज किसी एक पर्टिकुलर इंजन के लिए फिक्स रहती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा फोर्स कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर डायमेंशन की कनेक्टिंग रॉड के लिए, फोर्स कितना आ रहा है, देन उस फोर्स से आपको चेक करना पड़ेगा कि ये एफ एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है, अगर आपका सेफ आ रहा है। अब ये डिजाइन सेफ है, हमने जो अभी डिजाइन किया सिमुलेशन किया, इससे पहले मैंने 2-3 और किए, वो सब में लिखा आ गया द डिजाइन हैज फेल्ड, तो वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब डिजाइन ही फेल कर गया तो आप क्या करें, ठीक है ना। तो अगर ये रिजल्ट्स दिखा देता तो रिजल्ट्स में हम है ना कई सारी चीजें कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, ऑप्शंस है हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम की, जैसे आप रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक पूरी रिपोर्ट बना के देगा, अगर मेरे पास हो तो। तो ये हम रिपोर्ट जनरेट करके सेव कर सकते हैं, उसमें रिपोर्ट में आपको दिखाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे है ना क्या लिया, आपने पिन फोर्स पिन कहाँ लिया, क्या क्या किया आपने, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हैं और कंपेयर कर सकते हैं आप रिजल्ट्स को डिफरेंट, अगर आपके पास 2-3 रिजल्ट है तो कंपेयर करके देख सकते हैं, तो पॉइंट ये, ठीक है। तो ये जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो अब इसमें है ना हमने बहुत सारी चीजें करके देखी, बियरिंग लोड प्रेशर पता नहीं क्या क्या लगा के देखा, फाइनली ये आया कि हम इस फोर्स से चले, तो अभी फिलहाल के लिए तो हमने ये किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार कनेक्टिंग रॉड की जहाँ से भी आपको स्टडी चाहे NPTEL से या कहीं से एक बार कनेक्टिंग रॉड हाउ टू डिजाइन ए कनेक्टिंग रॉड प्रॉपर कोई सोर्स है, मतलब प्रॉपर मतलब जो ऑथेंटिक हो NPTEL हो या इस टाइप के जो IITs के प्रोफेसर के वीडियो उनसे देख लें बुक, अगर आपको मिल जाए कोई कनेक्टिंग रॉड डिजाइन की सॉफ्ट कॉपी तो उसमें पढ़ें, उस चैप्टर को पढ़ें, थ्योरी उसकी पढ़ना बहुत जरूरी है, कहाँ कितना फोर्स आ रहा है वो हम रैंडमली हिट एंड ट्रायल से नहीं कर पाए, वो हमें एग्जैक्टली करना ही पड़ेगा कि ये इसका ये रिजल्ट है, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं, जब हम सारा कर लेंगे तो फिर हम मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, फिर हम उसको कॉन्फिडेंटली सिमुलेशन का वीडियो बना के हम अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा है कि भाई उसको आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये था, अब इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, ये क्या ये सर ये जो फोर्स दे रहा है लोड दे रखा है साइड में 1 मैक्स 0.8 0.6 किस यूनिट में क्या है, कौन सी यूनिट में? ये फोर्स नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अंडर दिस फोर्स, तो ये जब बकल हुआ तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे 1 आ रहा है, 1 mm है, और मिनिमम 0.104 तो आ रहा है, ठीक है।
ये इसी तरह से आप x डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहाँ होगा ऐसे y और z के लिए भी निकाल सकते हैं, और ये कपलिंग मोड भी आप अलग अलग लेंगे तो अलग अलग आपको शो कर देगा। तो बकलिंग मोड भी इसके पीछे अलग काफ़ी लंबी थ्योरी है, मतलब कैसे हम बकलिंग निकालते हैं, आइगन वैल्यूज वगैरह काफ़ी कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो यूज़ करने पड़ते हैं, बट सिंस इट इज़ अ सॉफ्टवेयर तो हमारे लिए उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि अभी कैसे ये तीन मोड में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है। फिलहाल के लिए बस हम इतना कर सकते हैं कि हम इसको समझ पाए कि ये क्या यही लगाना है या वाई जेड कंपोनेंट भी लेना है, बोल्ट कैसे सेट करना है वो हम ट्राई कर लें, मटेरियल जो हमारा मैन्युफैक्चर हो सके वो तीन चार चीज़ें अगर ये हम सही कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम इसका एक वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे तो कोई फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट ये है कि हमारे पास थ्योरी से उसका जो हमारा प्रैक्टिकल है वो मैच करना चाहिए, सिर्फ हमारी हमने कर दिया और अपलोड कर दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। तो बहुत बढ़िया लगता है, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, मतलब बहुत सही कर सकते हो उसको, आप ये आपने ये कलर लिया है डिफरेंट कलर चाहिए और अच्छा कोई कर दो, वो सब चीज़ें सेकेंडरी है, मेन है कि आप कंसेप्ट सही लगाए, नहीं तो क्या है कि ये सब गलत कंसेप्ट लगाने के मैंने सब करके दिया, ग्रेविटी बियरिंग लोड ये जितना भी क्रॉस है ये सारा पहले रेंडमली मैंने कुछ कुछ करके देखा, फिर समझ में आया कि ये सब नहीं हो पाएगा, फाइनली ये किया है। दूसरा स्टैटिक स्ट्रेस का अगर हम देखें तो स्टैटिक स्ट्रेस भी मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कहीं अभी पढ़ रहा था ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे ही सिमुलेशन के बारे में, तो वहाँ लिखा है कि दैट इट इज़ रिकमेंडेड टू रन बोथ स्टैटिक स्ट्रेस एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल बकलिंग, तो मैंने कहा चलो एक बार स्टैटिक भी करके देख लेते हैं, तो स्टैटिक भी कर रहा हूँ मैं अभी, लोड के हिसाब कोई लोड अप्लाई किया है, कंस्टेंट अप्लाई किए हैं, देन जस्ट यू हैव टू मैश इट एंड गेट द रिजल्ट्स। तो वो जैसे मैंने रिजल्ट में स्टैटिक के केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा लोड है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफॉर्मेशन हमको दे रहा है, क्योंकि हमारा लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था जो हमने लोड लिया था, और स्टैटिक जब ये एनालिसिस कर रहा है तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपनी तरफ से और डाल रहा है, तो इस वजह से यहाँ लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ एरर भी दी इसने। बाकी स्ट्रेस का डायग्राम चाहिए तो ये स्ट्रेस डायग्राम है, मैक्सिमम यहाँ पे 5593 मेगा पास्कल क्योंकि हमने इस एंड पे लोड अप्लाई किया था, है ना, और मिनिमम सेकेंड एंड पे है। स्ट्रेस में भी अलग अलग है, फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस, थर्ड प्रिंसिपल, नॉर्मल एक्स एक्स, नॉर्मल वाई वाई, जेड जेड, शीयर, हर एक चीज का आप ग्राफ बना के बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको डिस्प्लेसमेंट का जो था डिस्प्लेसमेंट का आप कर सकते हैं, रिएक्शन फोर्सेस का कर सकते हैं, देन यू हैव स्ट्रेन डायग्राम, कॉन्टैक्ट प्रेशर, पॉइंट कॉन्टैक्ट प्रेशर आप देखें यहीं पे आ रहा है दो जगह पे जहाँ पे आपका सरफेस कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें, सेफ्टी फैक्टर जरूर थोड़ा सा आउट ऑफ लिमिट निकल गया है, तो अभी लोड हम चेंज करके कर देंगे उसको भी। सो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट दिस एनालिसिस, और आपको कोई डाउट हो तो ये करें आप, है ना, फिर कोई डाउट आएगा तो ट्राई करेंगे, फिर और कुछ मिलेगा इसमें, बट इस तरह से होगा मुझे ऐसा लगता है, ये काफ़ी कुछ तो हम अब सही कर पा रहे हैं। बाकी देखो मेन है कि थ्योरी अगर और है ना, और उसको अच्छे से सब जने पढ़े अपने अपने तरीके से, मैंने अपना पढ़ा, मैंने आज 4-5 पेज पढ़े, लेकिन मैंने मेरे को जो समझ में आया उससे मैंने ये कर दिया। अब आप पढ़ें उसको, आपको कुछ लगता है कि नहीं सर आप स्टैटिक क्यों ले रहे हैं, एक्स वाई भी लेना था, जेड भी लेना था, तो लेके देखें उसको कि हमने सर ये स्टडी किया था पूरा डिटेल में तो ये लोड और आ रहे थे तो इनको भी लेना है क्या। सो पॉइंट इज कि जितना ज़्यादा हम रिफाइन करते जाएंगे, जितना हम उसको चेक करते जाएंगे, हमारा रिजल्ट बेटर होता जाएगा, और जब रिजल्ट बेटर होगा तो हम कॉन्फिडेंटली इसको डिज़ाइन को कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमने डिज़ाइन किया, हम इसमें अभी हमने दो ही चीज़ चेक की, स्टैटिक और स्ट्रक्चर, हम सारे चेक करें, हम थर्मल भी चेक कर सकते हैं, हम थर्मल सिमुलेशन भी देखें, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर अगर कोई बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो उसमें भी सेफ है या नहीं है, तो हम वो ऑप्शंस कर सकते हैं, बट आई थिंक स्टैटिक और ये दो तो करना ही करना है, मेरे स्ट्रक्चर मतलब दो टेस्ट तो हम सिमुलेशन करेंगे। ठीक है यस सर, तो आप ट्राई करें, अब इसको ट्राई करें, सेव करें, है ना, और ये ध्यान रखें ये कुछ क्लाउड क्रेडिट्स से हो रहा है, मुझे पता नहीं कितने क्रेडिट दिए उन्होंने, तो
प्रॉपरली यूज करें, जब आपको लग जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए कि डिजाइन आपका प्रॉपर है, तो उसको रन करके देखें रिजल्ट के लिए। पहले आप सारी चीजें कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमने जो कंस्ट्रेंट है वो बराबर लगा दिए। वैसे तो आपको इनिशियली में ही वो बता देगा अगर आपके नोड और कंस्ट्रेंट में कॉन्टेक्स्ट में कहीं प्रॉब्लम है, तो वो जब आप सॉल्व में प्री चेक करेंगे तभी बता देगा। वो यहीं पे आपका ये वार्निंग इस तरह से आ जाएगा, कंस्ट्रेंट पिन 4 है ना, पिन 5, पिन 6। तो ये मैंने 4, 5, 6 तो ली नहीं थी, अभी आ गई है गलती से आपको बताते बताते, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इनको हटा देंगे तो ये ठीक है। ठीक है, अब आप प्री चेक करें, अब आपको दिक्कत नहीं देगा ये, अभी कह देगा इट इज ओके नाउ, द सेटअप हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्री चेक करें, जनरेट करके देखें मैश है ना। अच्छा, अब और दूसरी चीज, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ें, मैश क्या होता है ना, क्योंकि जब आप कहीं प्रेजेंट करने जाएंगे तो आपको फिर पता होना चाहिए। फिलहाल तो फर्स्ट पार्ट तो यही है, सिमुलेशन करके देना है और वीडियो बनाना है आपका, दोनों टूल पाथ वाला हो जाए और सिमुलेशन हो जाए, दोनों वीडियो आप कंबाइन कर लें, उतना तो करें फिर ये। लेकिन इसको पढ़ के जरूर जाएं जब भी आगे जाएं कि मैश का क्या पर्पज़ है, मैश क्यों बनाई जाती है, कितनी तरह की डिफरेंट मैश होती है। बहुत मतलब पहली बार मुझे भी लगा कि सॉफ्टवेयर ने बहुत अच्छा काम इसमें कर दिया, मतलब इतना इजी चीज़ों को कर दिया जितना पहले नहीं था। मतलब मैश भी हमें खुद से सोचनी पड़ती थी और बहुत कुछ खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, कौन सी मैश लें, क्या लें, क्या नहीं लें, बहुत चक्कर। अब इसने काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब हमें सिर्फ क्लिक पे दे दी जो हमें पीछे पता भी नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है, ना कितनी तरह की मैश होती है और क्या क्या नहीं होती। तो ठीक है, काफ़ी कुछ तो इसने सिंपल कर ही दिया। अब पॉइंट ये है कि बस हम इसको प्रॉपरली यूज़ करना सीखें, क्योंकि क्या है कि अगर आपने नहीं सीखा इसको प्रॉपरली यूज़ करना, तो मैंने जब सब एक सॉफ्टवेयर सीखा था पहले, तो उसमें जो इंस्ट्रक्टर था ऑनलाइन ही सीखा था, तो वो हमेशा एक बात बोलता था कि आपने अगर आपको नहीं कंसेप्ट पता नहीं है तो आप जस्ट कुछ भी गार्बेज इन करेंगे और गार्बेज आउट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर तो कुछ ना कुछ दे ही देगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट नहीं करना, आपको प्रॉपरली उसको समझ के यूज़ करना है, तो जब वैसा करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। अदरवाइज तो क्या, आपने कुछ भी डाला कुछ भी निकाल दिया, देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट। तो एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आपको समझ में आना चाहिए कि पिस्टन से कौन सा एंड कनेक्ट होगा, दूसरा एंड कौन सा रहेगा, बोल्ट्स कहाँ लगेंगे, कितना फोर्स बियर कर सकता है या कितना फोर्स आ सकता है, जो हमने डिज़ाइन किया है उसकी डायमेंशन क्या है, वो सारी चीज़ें कहीं लिखते चलें और उसको समझते चलें, इम्प्रूव करते चलें। जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाएंगे देन फिर जो हमारा बनता रिजल्ट वो बेटर होगा पहले वाले से। ठीक है, तो आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस करें, मटेरियल्स चेंज करें, कंस्ट्रेंट लोड के लिए थोड़ा स्टडी करें क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एंड देन यू मेक अ सिमुलेशन ऑफ दिस, मेरे ख्याल से फिर आपको हो जाएगा इजीली। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट हो तो पूछें। यस, जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो, कोई डाउट है सर? एक्चुअली मेरी अभी सर से बात हुई। बाबू आवाज कम कर। हेलो, हाँ बोलो सर। अभी सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि वो ट्यूटोरियल बना के भेज देंगे सिमुलेशन का। बस उतनी बात है। सिमुलेशन तो बना के भेज दिया ना मैंने, बना दिया ना मतलब, सॉरी नहीं, उन्होंने बोला कि स्क्रीन शेयर करके, वो तो एंड टू एंड प्रोसेस है ना सिमुलेशन का पूरा, स्टार्टिंग से एंड तक का टूल पाथ कौन कौन सा वो यूज कर रहा है जो भी, वो सब एक साथ वो बनाना है। वो तो मैन्युफैक्चरिंग का सिमुलेशन कि इसका सिमुलेशन फोर्स और इसका, एक तो आपका टूल पाथ वाला था जो आपको पहले मिल गया मैन्युफैक्चरिंग वाला, दूसरा सिमुलेशन ये वाला है जहाँ पे आपको अभी मैंने जो बताया है ना मटेरियल कंस्ट्रेंट, तो ये मैंने अभी आपको जो बताया है मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया, ये आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है ना, देख लेंगे इसको। और कुछ? ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक, थैंक यू, ओके।